हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए HDFC बैंक बनेगा ये छोटा बैंक, मैं कहूँगा डबल प्रॉफिट का डबल धमाका यहाँ पे दिखाया है इस बैंक ने आज की डेट में। कंपैरिजन देखते हैं हम सीधे HDFC बैंक की। अब आप सोच रहे होंगे कि HDFC बैंक से ही कंपैरिजन क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है इसीलिए इसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। कोई भी बैंक ये है कि भाई, अब कोई भी अगर छोटा बैंक है वो यही सोचेगा ना कि मैं भाई कब इस लेवल पे पहुंचूं, और HDFC अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या HDFC बैंक बन सकता है ये बैंक, क्योंकि आज का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो धमाकेदार रिजल्ट आया है। बिल्कुल ऐसा ब्लास्ट वाला रिजल्ट आज इसने दिखाया है, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़रा सोचिए कौन से बैंक की मैं बात कर रहा हूँगा, ज़रा गेस कीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल। आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आए हैं क्वार्टर टू के, यानी कि सितंबर से लेकर जुलाई तक का जो एक क्वार्टर, जुलाई से सितंबर तक का जो एक क्वार्टर था, और बहुत ही ज़बरदस्त आंकड़े। एक नज़र देखते हैं इसके रिजल्ट को। उससे पहले देख मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि भाई इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, थोड़ा मेहनत आप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपकी राय कमेंट कीजिए। ये देखिए HDFC बैंक को अगर आप देखोगे तो 6,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन, 1,250-1,200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। जबरदस्त शेयर है, प्रॉफिट ग्रोथ जिसका 20% और सेल्स ग्रोथ 18.5% के आसपास। मतलब हर कोई चाहेगा यार मैं इसके जैसा शेयर बनूं, इसीलिए हम इसको एक बेंचमार्क शेयर कहके कहते हैं कि ये छोटा बैंक जो है HDFC बैंक बनेगा कभी, वो आपके लिए क्वेश्चन है। अब देखिए हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं उसका नाम है बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक लिमिटेड छोटा जरूर है, कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 1/10 हिस्सा है, जो वो 6,00,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ये मात्र 66,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब 1/10। लेकिन जो धमाका आज इसने किया है उससे काफी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। करंट सिचुएशन अगर देखा जाए तो प्रमोटर के होल्डिंग मात्र 82% की इसमें है, मात्र नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा ये होल्डिंग है, इसको ये होल्डिंग भी कम करनी पड़ेगी, बंधन फाइनेंशियल का ये स्टॉक है। लेकिन आज का जो रिजल्ट आया है वो 12:30-1 बजे के आसपास से रिजल्ट आया है, और रिजल्ट मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल ये देखिए आंकड़े देखिए आप। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन रिजल्ट में, ये जो नंबर्स जो भी हैं ये लैक्स में है, मैं इनको आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आपको इंटरेस्ट अर्न से, क्योंकि बैंक की जब बात आती है तो इंटरेस्ट की बात आती है, और ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि ये रिजल्ट जो है वो बंधन बैंक का फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द सेप्टेम्बर, ये देखिए आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे। तो कितनी कमाई इसने की है अगर आप सीधे सीधे देखो कि जो इंटरेस्ट था वो 1605 करोड़ का, 1605 करोड़ का लास्ट ईयर था, और इस बार ये बढ़ के 2690 करोड़ हो गया। मतलब कि सीधे सीधे मोर देन 1000 करोड़ के आसपास का जंप आप क्लियरली देख पा रहे हो इंटरेस्ट इंटरेस्ट की इनकम में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात का मैं कहूँगा। और जो टोटल इनकम जो थी 1836 करोड़ की, वो बढ़ के 33,050 करोड़ की होगी, जो और भी बढ़िया बात है। अगर कंपैरिजन आप करें इसको जून क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो जून क्वार्टर के कंपैरिजन भी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, चाहे मैं टोटल इनकम की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ इंटरेस्ट अर्न की। लेकिन हमको यही नहीं, हमको देखना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की जब हम बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको नेट प्रॉफिट की तरफ। एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं यहाँ पे, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट जो मुझे दिख रहा है वो 972 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, अगर मैं राउंड ऑफ करूँ 972 करोड़ इस क्वार्टर में है। अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें, लास्ट ईयर सितंबर में ये देखिए 487 करोड़ था, तो सीधे सीधे आप हिसाब लगा लीजिए राउंड ऑफ करके, मुझे ये डबल के आसपास कहीं दिख रहा है, 2 टाइम्स, मतलब डबल धमाका प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आप एक बार फिर से देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 487 करोड़ से 971 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल मैं कहूँगा इसको। और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यही जून में मात्र 803 करोड़ का प्रॉफिट था। तो मुझे लगता है कि बड़ी छलांग लगाई है बंधन बैंक के इस प्रॉफिट ने इस बार, और इसी लिए मैं कह रहा हूं कि भाई आने वाले टाइम पे क्या ये HDFC बैंक बन सकता है। तो ये जस्ट एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने ऑर्डर कर दिया और ये बन गया, क्योंकि HDFC बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, इससे 10 गुना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है HDFC बैंक के, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अभी एक चीज और मिस रह गई, क्योंकि हम जो बात करते हैं हमेशा बैंकिंग स्टॉक की, जब भी बात करते हैं तो हम जोड़ देते हैं किस पे, NPA पे, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले कि NPA जो है एक बहुत बड़ा पैरामीटर है
है जब आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को एनालाइज करते हो, तो एनपीए में मुझे क्या दिखता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एनपीए में मुझे दिख रहा है ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज 1.76% है, और जो मुझे नेट एनपीए का परसेंटेज दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 0.56% दिख रहा है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो। अब हम इसको कंपेरिजन करते हैं लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर में जाते हैं और सेप्टेम्बर से कंपेयर करते हैं। सेप्टेम्बर लास्ट ईयर में ये 1.29% था। देखिए, ग्रॉस एनपीए बहुत ही मतलब बढ़ता हुआ दिख रहा है, 1.29% से 1.76% तक चला गया, बट नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिल रही है, 0.69% से 0.56% तक गया है। चलिए, ये तो रहा एनपीए, लेकिन रिजल्ट आज मार्केट क्लोजिंग आवर से पहले आ गया है, तो इसका मतलब आज ही इसका असर भी हो गया होगा। क्या असर रहा वो भी देखते हैं। अभी अर्निंग पर शेयर देखिए, तब तक आप जो अर्निंग पर शेयर 4.09 रुपये का था वो अर्निंग पर शेयर 6.04 रुपये का हो गया है। तो बढ़िया भाई, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको। अब ओवरऑल देखते हैं, अपने देख तो लिए सारी चीज़ें, लेकिन ओवरऑल असर जो मुझे देखने को मिल रहा है वो मुझे पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। मतलब कि 2.83% का जंप देखने को मिला आज बंधन बैंक के शेयर प्राइस में। शेयर जो है 561 पे ओपन जरूर हुआ था और 585 का हाई इसने बनाया था, और उसके बाद जो क्लोज हुआ है, जो लास्ट इसका प्राइस है वो 571 के आसपास है। और ट्रेडिंग कितनी हुई है देखिए, 34 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, जिसमें कि 16 लाख शेयर्स की डिलीवरी देखने को मिली है, 48% की डिलीवरी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये बंधन बैंक का आपने नंबर देखा। अब एक नज़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्या जब हम एनपीए की बात कर रहे हैं तो पुराने एनपीएस भी देख लीजिए कैसे इसके रहे हैं। जनरली इसके एनपीए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से, खास करके दिसंबर 2018 में एनपीए का ग्रॉस एनपीए 2.46% चला गया था, फिर 2.04% था, और दिसंबर में जून में ये 2.04% था। देखिए क्लियरली, तो ये नंबर्स मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से कहीं बेहतर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ है, कुछ और डिटेल्स यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, उनकी भी मैं बात करूँगा। जो डिटेल्स मुझे देखने को मिल रही हैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी स्क्रॉल में नीचे कर रहा हूँ, बंधन बैंक का देखिए जो की हाईलाइट इसने अपने नीचे रिपोर्ट में दी है कि भाई इनका प्रॉफिट जो जंप हो वो 99.18% का, बहुत ही बेहतरीन। लोन पोर्टफोलियो 92.33% इंक्रीज हुआ, 64,186 करोड़, बहुत ही बढ़िया। और साथ में अब देखिए ये की हाईलाइट्स देख लेते हैं हम, जो कंपनी ने शेयर कर रखी है। डिपॉजिट ग्रो हुए हैं बहुत बढ़िया, 49% की स्पीड से, और लोन पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है, ऑफ बुक का हो ऑन बुक का हो 92.33%। अगर हम देखें इसके अलावा जीएनपीए 1. जो मैंने कहा था मेन चीज़ है, जीएनपीए 1.76% और अगेंस्ट 2.02%, ये जून में था जो, तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया। ये स्टैंड अलोन बेसिस पे देखा जाए अगर, तो ये अच्छी चीज़ है जो एनपीए में अगर यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। उसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख रहे हो कि बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप पूरा पूरा देखें इसको, अगर और डिटेल में आप इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो भाई बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टर के देखने को मिले इस रिजल्ट के बाद। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इस स्टॉक के टेक्निकल्स के ऊपर, ताकि आपको आएगा कुछ और डिटेल समझ। देखिए, इस स्टॉक की मैं बार बार कह रहा था कि मुझे ना एक सिमेट्रिक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा पुराना स्टॉक है नहीं, मार्केट में बिल्कुल नया आया था। आते ही देखिए 460 के लेवल पे इसने मार्केट में एंट्री करी थी, जंप लिया था, सीधे 740 के लेवल तक गया था। लेकिन अभी रिसेंटली अक्टूबर 2018 में जो गिरावट आई, तो ये शेयर 350 के लेवल पर आ गया था भाई, इतने नीचे शेयर आ गया। उसके बाद अब देखिए, अब धीरे धीरे शेयर ने पॉजिटिविटी दिखाई, और अभी रिसेंट इसने हाई जो बनाया वो मई 2019 में 633 का बनाया, फिर नीचे गिराइए। अब एक ट्रेंड लाइन सी बनने लग गई थी और ये स्टॉक 440 के लेवल तक आया। अब 440 के लेवल पर जब स्टॉक आया, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये डाउन ट्रेंड की लाइन आप देख पा रहे हो धीरे धीरे करके, ये पार हुई। जब ये पार हुई डाउन ट्रेंड की लाइन, स्टॉक ने अपना 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया, और ये 20 सितंबर की जो डेट थी उस दिन बड़ी खुशी हुई स्टॉक को भी, और फर्स्ट टाइम बहुत टाइम बाद इसने अपना 200-day सिंपल मूविंग एवरेज को पार किया। पार करने के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई शेयर में एक पॉजिटिविटी आ रही है, गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो पार कर रहा है 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो मतलब थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, शेयर बड़ा गैप अप पैटर्न दिया था, रिजल्ट अच्छा आया है नो डाउट। अब देखिए, अब आज सिंगल डे का आप चार्ट देखिए, आज सिंगल डे में जब रिजल्ट आया था 12:30 बजे के आसपास, काफ़ी वॉल्यूम आपको देखने को मिला होगा। स्टॉक 567 से एकदम उछला था ऊपर, फिर लास्ट में आके थोड़ा सा फ्लैट हो गया, मार्केट भी फ्लैट हो गई तो ये स्टॉक भी फ्लैट हो गया। तो ये हमने बात करी यहाँ पे बंधन बैंक की, साथ में कंपैरिजन किया उसका HDFC बैंक के साथ। कोई कंपैरिजन जनरली है नहीं, अगर आप देखोगे नॉर्मली वो
6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन या 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट रिजल्ट अच्छा है, डबल धमाका दिखाया रिजल्ट में जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एक नज़र, थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं, अगर इसके रिजल्ट को मैं ओवरऑल देखूँ तो काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट रिवेन्यू बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बढ़ रहा है जो कि बहुत पॉजिटिव है। और इस क्वार्टर में 1,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना है, मतलब कि एक क्वार्टर में 1,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब जो इसका पूरा फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो भाई बहुत बढ़िया शेयर के लिए। चलिए वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा मेहनत हमने की है, थोड़ा मेहनत आप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।